तीर पर होते हैं, तीर तीर पर होते हैं, तलवार पर होते हैं या एक गोलाई पर होते हैं, इनका अलग अलग उड़ने का तरीका होता है क्या? हाँ, इनमें देखो परों में ही उड़ान अलग है। अभी मैं अमरावती में बैठा था, वहाँ एक उस्ताद ने हमसे पूछा कि इमरान भाई यार कबूतर को आसमान में डायरेक्ट भेजना है। मैंने कहा ठीक है भैया, फ्लाइट पकड़ा दो उसको। अरे यार ऐसे कैसे भेज दोगे, है क्या रॉकेट समझा गया, नीचे से आग लगा दी डायरेक्ट हो गया ऊपर, नहीं जाएंगे भाई। कहते यार इमरान भाई हमने देसी कबूतर मंगाए। नहीं भाई मैं भाई भाइयों को थोड़ा हाँ, सारी उड़ान उड़ान की चाल कि ये नीचे उड़ेगा, ऊपर उड़ेगा, आसमान में लंबा चलेगा या गोल उड़ेगा, सब परों का खेल है। क्या परों का खेल है? आप जिस नस्ल को कहोगे हम उस नस्ल को आसमान में बाढ़ देंगे उड़ने वाली हो, क्योंकि उसमें हमें पर का क्रॉस लाना होगा, उसका डीएनए चेंज करना होगा उसका। ये बातें आपको कभी कोई उस्ताद नहीं बताएगा, मगर हमारा मुंह फटो भांसड़ है भैया, सारा कुछ बता दो, सारा ज्ञान दे देना कि भाई सीखो उड़ाओ। हम चाहते कि आपको ऐसी नई नस्ल बनाओ जो इंडिया में नजर आए, मगर मैं ये नहीं कि रामपुरी सहारनपुरी सहारनपुर मद्रासी मद्रासी ये ठीक है, ऐसा नहीं। हमेशा नया जोर वो दिखाएगा जिसके अंदर नया डीएनए मैच करेगा, समझ रहे हो? जैसे कि छोटा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको, जैसे कुम्हार होते ना, कुम्हार मटका बनाने वाले, और एक होते बंजारे, सड़कों पे आज डेरा यहाँ डाला, कल यहाँ डाला, परसों वहाँ डाला, तो वो उनकी ब्लड लाइन आपस में इनब्रीडिंग हो रही है, समझ रहे हो ना, इनब्रीडिंग हो रही है उनकी लाइन कि भैया तेरी खाला से, तेरी मामू की लड़की से, तेरी भुप्पी के इधर चल रहा क्या, तो वो एक ही डीएनए उनके माइंड में घूम रहा है, वो वही हथौड़ा पीट रहे, वो वही काम कर रहे, कुमार घुमाया जा रहा है, कुमार को घुमाया जा रहा है, तो उससे आगे माइंड नहीं करता है। जब इनका लड़का घर से निकला बाहर, वो कहीं लव मैरिज कर लिया, तो यकीन मानना आपको उसमें 90% आपको ऐसा परिवार मिलेगा, एक तो हो गया कि खड़कू दिमाग है ये कि भगा के भी लाया तो साला घर में ही रख लिया क्या, तो उसको भी उसने वही बना दिया। एक थोड़ा बाहर निकल के पढ़ा लिखा, ठीक है, बाहर ही उसकी शादी हो गई जो उसकी ब्लड लाइन से बिल्कुल अलग है, तो उसके बच्चों की आप देखोगे कि माइंड की ग्रोथ अलग है, सोच अलग है, बातें अलग है, और वो अप हो गया लाइफ में, अलग ही कारोबार करता है, होता है ना ऐसे भाई, शक्ल भी चेंज, थोड़ा नक्शा भी चेंज होता है ना, कहीं भी देख लो आप, तो ऐसे ही हमारे कबूतर होंगे। आप जब तक ये सेम करते रहोगे ना, अच्छी उड़ान आपको कभी नहीं दिख पाएगी। एक तो वो बात है कि मैंने रखने ही है, मैंने पालने ही रामपुरी है, मैंने पालने सहारनपुरी है, मैंने पालने तीर पर है, मैंने पालने तलवार पर है, ठीक है, उसमें तो आप ले लो कि हाँ चलो ठीक है 7-8 घंटे उठा के चला लो, मगर हम चाहते हैं यार ये जो हमारे पुराने बुजुर्ग बना के चले गए ना नस्लें, ये सब नस्लें, ये सारी नस्लें 100-150 साल पुरानी है, तकरीबन 200 साल पुरानी नस्लें भी हैं, वो उस जमाने की हैं जब अनपढ़ बुढ़े नस्ल बना गए, और आजकल के पढ़े लिखे इंजीनियर चोंच ही मिला रहे आपस में, हाँ लगाया जाओ बाद निकलेंगे बच्चे, कुछ नया नहीं करके दिखा रहे। तो मैं बस आपसे यही गुजारिश करूंगा, ये तीर पर तलवार पर जितने भी पर हैं, ये वही पर है, इन्हीं में ही उड़ान बनेगी, इन्हीं का क्रॉस चलता है कि हमने उड़ान देनी कैसे। हर पर जितना लंबा है, जितना चौड़ा है, उसकी उड़ान आपको बिल्कुल अलग दिखेगी, ठीक है। तो प्लीज ये सेम मत करो, कुछ ऐसी मैचिंग करो, जैसे अभी वो एक भाई चला गया तो क्या बोला था, सहारनपुरी और एक कालसरा कबूतर, उस भाई को कालसरे का ये नहीं पता कि वो कौन सी नस्ल में से है, उसका डीएनए क्या है, वो अपना इधर का ही है, उधर का है, क्या है, वो उड़ने वाला है या नहीं उड़ने वाला उसको नहीं मालूम, सहारनपुरी से लगा के उसने उड़ा दिया, तो उसकी शेप बच्चों की अलग होती है। अगर वो यहाँ होता तो मैं उससे सवाल करता हूँ कि शेप बताओ कैसी अलग है, फोटो दिखाता मैं आपको, क्योंकि जब एक डीएनए बिल्कुल दूसरे डीएनए से मैच करेगा तो वो ढालचाल उसका बिल्कुल बदलेगा और वो उड़ान भी बढ़ते दिखाएगा। अगर आप गधे से गधे का जोड़ा भी लगा दोगे ना तो वो गधा ही रहेगा, घोड़ा नहीं बन जाएगा। आप में से कोई जानवर पालने का शौक करता, भैंस बकरी है? कोई भी नहीं है। अभी यूट्यूब पे चल रहा था भैंसा पाकिस्तान का, उससे भैंस को क्रॉस कराने का बंदा 1 करोड़ रुपया दे रहा है, 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं ना, भैंसा चिट्टी यहाँ का मर गया, वो तो हरियाणा का ही था, एक हरियाणा का भी था, पाकिस्तान का जाने का, हरियाणा का भी एक था, हरियाणा का भी बहुत मशहूर हुआ, दोनों मर गए, दोनों मर गए, नजर खा जाती है, जो कोई भी चीज जितनी ज्यादा मशहूर हुई वो खत्म हो गई, बहुत लंबा छोड़ा था, हरियाणा का भी था, पाकिस्तान का भी था, दोनों थे। तो वो क्या करते थे, क्रॉस ब्रीड,
कि नया डीएनए टेस्ट होगा तो नई चीज बनेगी। तो भाई अपना भी माइंड उड़ाओ, नस्लों में नया डीएनए उधेड़ो, सेम चक्कर मत करो। बाकी खुद की ख्वाहिश है तो वो बात अलग बात है कि मैंने उड़ाने ये तो उड़ाओ, उनमें भी नाम दिखता है कि नस्ल जिंदा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब नया सवाल के अंदर इसमें देखो डीएनए तो शायद है तो वही रहेगी, ब्लड लाइन जो उसके अंदर है, मगर एक ये होता है आपने मोगली देखी, मोगली देखी इंसान का बच्चा था क्या, अगर वो जंगल में पला था उसकी हरकतें क्या हुई, जंगली वाली, वहीं का खाना पीना, वहीं का रहना सहना, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे घर में जो हम खुद कबूतर पाल रहे थे वो क्या, वो हमारी मूवमेंट में, हमारी हरकतों में है, समझ रहे हो ना। आज उठा के देखा, हाँ चल ठीक, तीसरे चौथे दिन उठा के देखा, हाँ पर अच्छा है, थोड़े ज्यादा पर आगे देखो आप कोसी पर, मतलब उसका एक कली झड़ने से पहले 10 बार देखे सला बना क्या रहा है। तो अब जब हमारे हाथों में बार बार आता तो उसके शरीर की जो मूवमेंट होती है कमजोर होती चली जाती है, हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे हिसाब से हमारी हरकतों से मिल जाता है। अब जब हम जंगली के अंदर नीचे पलाएंगे ना तो वो सारी हरकतें उल्टी लेके जाएगा, ना कि उसकी उड़ान में कोई चेंजिंग आएगी। और कुछ मेरा सवाल, जो काला वाला पुतली होता है कबूतर का जिसको नुकसान भी होता है, उसके पास में जो ब्लू कलर की रिंग है तो जरूरी है ब्रीडिंग के कबूतर के लिए, और पांचवी रिंग जो होती है वो ऐसा हो जाएगी। सवाल करो मजा आता है ना जवाब करने। देखो नस्लों का हिसाब है, और ये रिंग तकरीबन हाई फ्लायर कबूतर में पाए जाते हैं, लो फ्लायर में भी अभी आने लगे क्योंकि हम उसमें क्रॉस डालने लगे, ये पहले ये लो फ्लायर में ये रिंग नहीं थे। ये एक आंखों में काली पुतली होती ना, उसके बगल में मानो तो माफी की जैसे कोई कुआं अंदर को गिर रहा है ना। मैंने इमेज अपने मोबाइल से जूम करके दिखाया आपको, वो रिंग जो आंखों की गहराइयों में अंदर घूम रहे, वो ऐसे मसल अंदर घूमती है वो, ठीक है। तो ये कोई ब्रीडर रिंग नहीं होते, ये सिर्फ पहले के उस्तादों ने चला दी थी, ये ब्रीडर रिंग है, ये वो वाला रिंग है, ये बहुत उड़ाएंगे, ये शाम शाम तक उड़ते, मलबे से ज्यादा उड़ जाएंगे, कोई रिंग नहीं उसमें। मैंने सफाई दी है वीडियो में, मलबे में कोई रिंग नहीं, ऊपर का भी रिंग नहीं है, ऊपर कहते ना काला रिंग, काली चूड़ी में भी नहीं, काला ऊपर का काला गहरा रिंग, काली चूड़ी ब्रीडर रिंग लोग कहते थे। अगर ये ब्रीडर रिंग है तो ये मलबे तो उससे भी ज्यादा बच्चे पालता है, इसमें कौन सा रिंग ढूंढोगे आप, है कोई के ऊपर। अब खड़ो के सवाल ताकि हर बार पता चले कि कौन पूछ रहा है, इन्हें लगेगा नहीं मैं ही बोलने जा रहा हूँ यार। कबूतरों के देर बाद आ जाता है जब दाने से आ जाते हैं और आंख आ जाती है तो उसका क्या देखो।